इस 1000 मासिक वेतन तक के 75% पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को दिया गया ये कदम न सिर्फ क्षेत्रीय लोगों के विकास का स्तंभ बनकर उभर रहा है बल्कि पलायन जैसी समस्याओं का भी निदान कर रहा है। इसके के लिए झार नियोजन पोर्टल बनाया गया है जिस पर कुल 6000 से ज्यादा नियोजक निबंधित हुए हैं। मंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कुलान का धरती पर जब से मुख्यमंत्री बने हैं राष्ट्रीय मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी जा रहे हैं और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इंतजार नहीं करती, इसलिए जब भी आपको जिंदगी में के लिए ये ऑफर लेटर तालियां हो आपकी तरफ से चिंता सॉय में नियुक्ति के लिए ऑफर लेटर प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ऑफर लेटर नियुक्ति के लिए ये ऑफर लेटर आपको प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री मेले में जो लगभग 10,000 बच्चों को ऑफर लेटर दिया जाएगा आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो 10,000 बच्चे हैं उसमें से 9,500 बच्चे यहां के झारखंड के आदिवासी मूलवासी बच्चे हैं। और इसमें 80% बच्चा यहां का आदिवासी दलित पिछड़ा वर्ग से आते हैं और इनको रोजगार कहां मिलेगा। कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कुछ कंपनियों का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ लोग टाटा स्टील में जाएंगे, कुछ बीकेटी टायर्स में जाएंगे, कुछ सरस्वती फैब्रिकेशंस में जाएंगे, कुछ लोग टाटा कमिंग्स में जाएंगे, कुछ लोग टीके कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में जाएंगे, कुछ लोग एलएनटी में जाएंगे, कुछ लोग टाटा मोटर में जाएंगे, कुछ एलआईसी में जाएंगे। कुछ प्रमुख लोगों का कंपनियों का नाम मैं आपको बता रहा हूं और लगातार इस तरीके के कार्यों को हम आपके बीच में ला रहे हैं। अभी आप इतने बड़े संख्या में
जहां घर परिवार की जिम्मेवारी है, निश्चित रूप से इस रोजगार के माध्यम से आप अपने घर के जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम मुख्यमंत्री सारथी योजना के साथ योजना भी आपके बीच में लाए हैं, जिसमें हम बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए, घर से आने जाने के लिए परिवहन भत्ता भी दे रहे हैं और उनको प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। और इसको जो हम लोग प्रखंड जिला कार्यालय में जो हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर चलता था, अब ये प्रखंड स्तरों में जाने लगा है। जहां लड़कियां आमतौर पर ट्रेनिंग करने जा नहीं पाती थी सुदूर ग्रामीण से, अब प्रखंड स्तर पे हम लोगों ने अभी शुरू किया है। लगभग 80 प्रखंडों में हम लोगों ने बिरसा प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है, जहां आप विभिन्न तरीके का प्रशिक्षण ले सकते हैं। एकलव्य प्रशिक्षण योजना भी हम लोगों ने शुरू किया है और उसके तहत कल ही का दिन है, कल हम लोग आदिवासी शोध संस्थान के कैंपस में हम आदिवासियों के समूह के जो कमजोर आदिवासी समाज है, जिसको हम प्रिमिटिव ट्राइब्स कहते हैं, आदिम जनजाति कहते हैं, उनके बच्चों को जो अभी नौकरी सरकार ने निकाला है, उस नौकरी में वो अपना किस्मत आजमा सके, उन आदिम जनजाति के बच्चों को 4 महीने का फ्री आवासीय कोचिंग देने का भी योजना हम कल शुरू किए हैं। मैं आज इस मंच से ये घोषणा करना चाहता हूं उन सहायक पुलिस कर्मियों का, आपका 2 साल का अवधि विस्तार का मैं यहां से ऐलान करता हूं।